ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल मेवन में, राइट। हम बात करते हैं सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सेट इन द सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल इन मेवन, राइट। तो डिस्कस करते हैं सारे कंसेप्ट को वन बाई वन, या तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स है दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट यू। सेटिंग डॉट एक्स एम एल फाइल कंटेंस एलिमेंट्स यूज टू डिफाइन वैल्यूज विच कन्फिगर मेवन एक्सक्यूशन इन वेरियस वेज, राइट। सेटिंग डॉट एक्स एम एल है, बहुत सारी कॉन्फिग्रेशनल स्टफ को हम बेसिकली कन्फिगर करते हैं, लाइक द पॉम डॉट एक्स एम एल बट शुड नॉट बी बंडल्ड टू एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एन ऑडियंस। एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जैसे पॉम डॉट एक्स एम एल में जो भी आप कॉन्फिग्रेशन स्टेप करते हो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, राइट। लेकिन प्रोजेक्ट में ही पॉम डॉट एक्स एम एल हमेशा होता है, राइट। लेकिन जो सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल में जो कॉन्फिग्रेशन करते हैं दैट शुड नॉट बी बंडल विथ योर प्रोजेक्ट, राइट। दैट शुड बी कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, राइट। वो मशीन स्पेसिफिक होता है या यूजर स्पेसिफिक चीज़ से कह सकते हो, या सिस्टम लेवल कॉन्फिग्रेशन होता है, उस तरह की चीज़ें होता है सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल, राइट। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है दीज इंक्लूड सच एज लोकल रिपोजिटरी लोकेशन, ऑल्टरनेट रिमोट रिपोजिटरी सर्वर्स एंड ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप जानते हो कि लोकल रिपोजिटरी लोकेशन क्या होता है, बाई डिफॉल्ट होता है यूजर्स के अंदर, जो आपका यूजर होम डायरेक्टरी है उसके अंदर M2 डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली मेवन क्रिएट करता है, और उसके अंदर रिपोजिटरी होता है, उसके अंदर सारे आपके डिपेंडेंसीज रिमोट रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर उसमें सेव होते हैं। दैट्स द डिफॉल्ट लोकेशन दैट यू कैन चेंज यूजिंग सेटिंग डॉट एक्स एम एल। और दूसरा यह है कि जैसे ऑल्टरनेट रिमोट रिपोजिटरी सर्वर आप दे सकते हो, जैसे एक आपका रिमोट रिपोजिटरी होगा जहाँ से सारे आर्टिफैक्ट डाउनलोड होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऑल्टरनेट सर्वर एड्रेस भी देना होता है, ऑल्टरनेट रिमोट रिपोजिटरी भी देना होता है, क्योंकि लेट्स से कि ओरिजिनल जो आपका रिपोजिटरी है वहाँ ट्रैफिक काफ़ी हाई होगा, तो आप चाहेंगे तो जो ऑल्टरनेट जो रिपोजिटरी है या मिरर रिपोजिटरी है वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड हो सकता है आपके आर्टिफैक्ट्स। उसके अलावा जब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन भी उसमें देते हैं। देयर आर टू लोकेशंस वेयर सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल में लीव, दो जगह हो सकता है। एक तो मेवन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में हो सकता है, जो मेवन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में आपका कॉन्फ फोल्डर होगा उसके अंदर सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सेटिंग, राइट। दैट इज वैलिड फॉर ऑल द यूजर्स ऑन द सेम मशीन, राइट। दूसरा क्या होता है, यूजर्स इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, जैसे यूजर्स होम में M2 डायरेक्टरी उसके अंदर सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल होगा, वो होगा यूजर स्पेसिफिक होगा, क्योंकि यूजर्स होम डायरेक्टरी में ही रहता है, राइट। इफ़ बोथ फाइल एग्जिस्ट, यदि दोनों फाइल एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, देयर कंटेंट्स गेट्स मर्ज विद द यूजर स्पेसिफिक सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल बींग डोमिनेंट, मतलब दोनों का कंटेंट मर्ज होगा, लेकिन प्रायोरिटी किसको जाएगा, जो यूजर्स सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल है उसको प्रायोरिटी जाएगा, ठीक है। नाउ अ डिफॉल्ट मेवन सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट। इसमें ये सारे टैग्स होगा, लाइक लोकल रिपोजिटरी, इंटरेक्टिव मोड, ऑफलाइन प्लगइन्स, ये सारे चीज़ें होता है। ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले लोकल रिपोजिटरी, राइट। तो मेवन स्टोर्स कॉपीज ऑफ प्लगइन्स एंड डिपेंडेंसीज लोकली इन यूजर्स होम डायरेक्टरी, M2 और रिपोजिटरी फोल्डर में, राइट। तो दैट इज कॉल्ड लोकल रिपोजिटरी, दैट्स द डिफॉल्ट लोकेशन, दैट कैन बी ओवर रिडन यूजिंग द फाइल सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल। सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल में आप ओवर राइड कर सकते हो ये जो लोकल रिपोजिटरी है उसका पाथ, राइट। उसके बाद सेकेंड है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब होता है कि जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से राइट आप मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो इंटरेक्टिव मोड यदि ट्रू सेट होता है, राइट, तो आपको सजेशन देगा, राइट। यूजर इनपुट के लिए कमांड प्रॉम्प्ट वेट करता है। यदि इसे आप फॉल्स सेट कर देंगे तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा बाय यूजिंग द डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड ऑल, राइट। नाउ ऑफलाइन का मतलब होता है ऑफलाइन कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, राइट। ऑफलाइन फॉल्स होता है। यदि ऑफलाइन ट्रू कर दोगे तो मेवन क्या करेगा, इंटरनेट से जो आर्टिफैक्ट्स है वो डाउनलोड करने की कोशिश नहीं करेगा, ऑफलाइन वो बिल्ड करने की कोशिश करेगा, तो इस केस में आपको इशू हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्लगइन्स ग्रुप। तो प्लगइन्स ग्रुप में हम ढेर सारे प्लगइन्स के ग्रुप को हम क्या करते हैं, कन्फिगर करते हैं, राइट। और जैसे ही आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, कोई भी प्लगइन्स का रिक्वायरमेंट होता है तो प्लगइन ग्रुप्स में वो स्कैन करना शुरू करता है। लेट्स से कि वो प्लगइन मिल जाता है तो वो डाउनलोड होगा, लोकल रिपोजिटरी में स्टोर होगा और फर्दर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होगा।
लेकिन एक चीज याद रखना है कि इसमें दो प्लगइन्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर होता है, आर्क डॉट अपाची डॉट मेवेन प्लगइन्स एंड आर्क डॉट कोड योस डॉट मोजो, ये दो प्लगइन्स है ऑटोमेटिकली उसमें रजिस्टर होता है। नाउ प्रॉक्सीज, प्रॉक्सीज का मतलब होता है आप प्रॉक्सी सर्वर, लेट्स से योर प्रोजेक्ट इज यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्रॉक्सी सर्वर, राइट। आप कंपनी में काम करते हो तो कुछ कुछ वेबसाइट्स होता है नॉर्मल सिनेरियो में रीचेबल नहीं होगा, तो आपको प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, दैट यू कैन डू इन द सेटिंग्स सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल। देन सर्वर, सर्वर्स का मतलब होता है लेट्स से कि आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ राइट, और फाइनली आर्टिफैक्ट जनरेट हुआ इन टर्म्स ऑफ जीप फाइल और जार फाइल और वार फाइल, अब इसको आपको स्टोर करना है बिल्ड सर्वर पे राइट, तो दो तो बिल्ड सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्फ़िगर ओवर हियर राइट। बिल्ड सर्वर का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह देना होगा आपको राइट। उसके बाद मिरर्स, मिरर्स का मतलब होता है कि लेट्स से आपका सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ से सारे आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड होकर आपके प्रोजेक्ट बिल्ड होते हैं राइट, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है वहाँ ट्रैफिक काफ़ी हाई होता है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो यू माइट मिरर दिस बेसिकली योर ओरिजिनल रिपोजिटरी इनटू द सम अदर सर्वर्स एज वेल, सो दैट वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा बिल्ड होगा मिरर सर्वर को यूज करके ही बिल्ड हो सकता है राइट। तो वो ऑल्टरनेट बेसिकली रिपोजिटरी का कॉन्फ़िगरेशन मिरर्स के अंदर आप दे सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स क्या अलाउ करता है कि प्रोफाइल्स के अंदर रिपोजिटरी या प्लगइन रिपोजिटरी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आप दे सकते हो। जैसे प्रोफाइल्स का मतलब होता है कि आपका डेव इन्वायरमेंट है राइट, डेव है, इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट है या प्रॉड इन्वायरमेंट है, अलग अलग इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज आपको कॉन्फ़िगर करना होगा, दैट्स वाई वी यूज प्रोफाइल्स। एंड एक्टिव प्रोफाइल्स में क्या होता है कि यू कैन हैव मेनी प्रोफाइल्स कॉन्फ़िगर, बट व्हाट आर द प्रोफाइल्स यू वांट टू मेक एक्टिव वन, तो एक्टिव प्रोफाइल्स में एक्टिव प्रोफाइल को कौन सा प्रोफाइल्स को आप एक्टिव रखना चाहते हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से कंसेप्ट तो हमने लर्न कर लिया, और बताता हूँ कि सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल होता क्या है। तो आप जो भी मेवेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होगा वहाँ जाके आप कॉन्फ में देखेंगे, कॉन्फ फोल्डर में, तो सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल मिल जाता है। इसे हम नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ यहाँ बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ये दिया है राइट, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा कि यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल होता है, इस लोकेशन पे होता है राइट। यदि ग्लोबल फाइल की बात करें तो क्लियरली दिया हुआ है मेवेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में मेवेन कॉन्फ फोल्डर होता है, उसके अंदर सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल होता है, वो ग्लोबल लेवल का होता है राइट। दिस इज ग्लोबल लेवल एंड यूजर लेवल का यहाँ होता है राइट। सारा डिस्क्रिप्शन इस फाइल में ही मिल जाएगा आपको। उसका लोकल रिपोजिटरी जो हमने डिस्कस किया, लोकल रिपोजिटरी को आप ओवरराइड कर सकते हो उसका पाथ राइट, बाय डिफॉल्ट ही होता है राइट। उसका इंटरैक्टिव मोड जो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है राइट, यू कैन मेक इट फॉल्स राइट। ऑफलाइन बाय डिफॉल्ट फॉल्स, यू कैन मेक इट ट्रू। प्लग इन ग्रुप्स, ये भी हमने देखे, यहाँ ग्रुप्स ऑफ मतलब प्लग इन ग्रुप्स यहाँ पर कॉन्फिगर कर सकते हो राइट। प्लग इन ग्रुप्स है इसके अंदर, बहुत सारे प्लग इन को प्लग इन ग्रुप का यूज करके आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दो प्लग इन्स होता है इसमें, ऑटो रजिस्टर्ड होता है। प्रॉक्सी राइट, प्रॉक्सी सर्वर आप इंटीग्रेट यहाँ कर सकते हो राइट, बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल्स लाइक एक्टिव प्रोटोकॉल्स डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड एंड प्रॉक्सी सर्वर नेम एंड पोर्ट नंबर राइट। उसके बाद सर्वर्स राइट, लेट्स से आपका बिल्ड सर्वर है राइट, उसको डिप्लॉयमेंट जो रिपोजिटरी है उसका डिटेल्स आप यहाँ दे सकते हो। यहाँ पर यूजर क्रेडेंशियल देना होगा गाइज, यूजर क्रेडेंशियल दो तरीके से दे सकते हो, यूजर नेम, पासवर्ड एंड पासवर्ड फ्रेज, प्राइवेट की और पासवर्ड फ्रेज के टर्म्स में भी दे सकते हो। फिर मिरर्स में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव रिपोजिटरी आप कॉन्फिगर कर सकते हो, सो दैट्स हाउ वी कंसीडर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। प्रोफाइल्स इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बेसिकली प्रॉपर्टी आप यहाँ सेट कर सकते हो राइट। एंड फाइनली आप देखोगे तो एक्टिव प्रोफाइल्स में, प्रोफाइल्स आपने कॉन्फ़िगर कर दिया था, कौन सा प्रोफाइल्स को आप एक्टिव करना चाहते हो वो यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो राइट। तो गाइज ये है, ये जो है कॉन्फ फोल्डर में ग्लोबल सेटिंग्स में, आप चाहते हो कि यूजर लेवल सेटिंग्स सेटिंग्स डॉट प्रॉपर्टीज करना, तो आप अपने यूजर्स में जाएंगे सी ड्राइव में, फिर यूजर नेम, उसके अंदर एम टू डायरेक्टिव मिलेगा, तो यहाँ सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल आप डंप कर देना, तो ये यूजर स्पेसिफिक सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आशा है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद ऐसे लाइक करें, शेयर करें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।